बीसीसीआई के होम राइट्स टीवी और डिजिटल दोनों ही अब वाईकॉम 18 ने अपने नाम कर लिए हैं, यानी कि अब बीसीसीआई के आप सभी मैचेस को स्टार स्पोर्ट्स हॉटस्टार पर नहीं बल्कि स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर लाइव देख पाएंगे। बता दें कि बीसीसीआई ने अगले 5 सालों के लिए मीडिया राइट्स की बोली लगाई थी, जिसे रिलायंस समूह ने अपने नाम कर लिया है। रिलायंस समूह वाले वाईकॉम 18 ने अपने नाम इन बोलियों को कर लिया है और अब सितंबर 2023 से मार्च 2028 तक के नए चक्र के लिए बीसीसीआई के सभी मीडिया राइट्स वाईकॉम 18 के पास होंगे। बता दें कि सितंबर 2023 से मार्च 2028 तक यानी कि 5 सालों के सर्कल के लिए बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स की नीलामी का आयोजन किया था। इस दौरान वाईकॉम 18 के साथ साथ सोनी पिक्चर्स नेटवर्क और डिज्नी स्टार ने हिस्सा लिया और इन सभी को पछाड़ते हुए वाईकॉम 18 ने अपने नाम ये बाजी की और 5 सालों के लिए बीसीसीआई के राइट्स को अपने नाम कर लिया है। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज के मुताबिक इन अधिकारियों को हासिल करने में वाईकॉम 18 सबसे आगे रहा और उसने डिज्नी स्टार और सोनी पिक्चर नेटवर्क से ज़्यादा बोली लगाई। अब बात करते हैं कि मीडिया के अधिकार का पैकेज क्या कुछ है। बता दें कि बीसीसीआई मीडिया अधिकार पैकेज 2 पैकेज है, जिनमें पैकेज ए है जो टेलीविज़न अधिकार के मुताबिक है, जिसमें 20 करोड़ रुपए प्रति गेम यानी कि प्रति मुकाबले प्रति मैच की 20 करोड़ रुपए की राशि है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए है। इसके अलावा पैकेज बी में डिजिटल अधिकार है जो 25 करोड़ रुपए प्रति गेम है, जो भारत और बाकी देश में है। जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि डिज्नी स्टार ने साल 2018 में 560 करोड़ रुपए के हिसाब से मीडिया राइट्स अपने नाम किए थे, लेकिन अब उसका टेंडर खत्म हो चुका था। ऐसे में अब वाईकॉम 18 ने इसमें बाजी मार ली है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कंपनियों ने इस बार टेंडर में कम दिलचस्पी दिखाई, जिसके चलते बीसीसीआई ने 60 करोड़ रुपए के हिसाब से मीडिया राइट्स को 45 करोड़ रुपए तक कर दिया था। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ हाई प्रोफाइल मुकाबलों को देखते हुए बीसीसीआई को उम्मीद थी कि ज़्यादा बोली देखने को मिलेगी, लेकिन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और साथ ही कई बड़ी टीमों के साथ भारतीय टीम केवल 39 मुकाबले खेलेगी और ऐसे में बीसीसीआई को कम पैसों में संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन आखिरकार वाईकॉम 18 ने अगले 5 सालों के लिए बीसीसीआई के राइट्स को खरीद लिया है और बीसीसीआई के सभी मुकाबले यानी कि भारतीय टीम के सभी मुकाबले अब जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर अब देखने को मिलेंगे। टीवी पर स्पोर्ट्स 18, डिजिटल पर जियो सिनेमा लाइव मुकाबले दिखाएगा और दोनों ही टीवी और डिजिटल राइट्स अब वाईकॉम 18 रिलायंस ग्रुप के वाईकॉम 18 के पास हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।